हेलो एवरीवन, आज हमने स्टिल लाइफ में बनाया है बकेट मग और बैगन, और ये हमने बनाया है पेस्टल कलर में। तो ये वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टेक्निक के बारे में भी बताऊंगा और एग्ज़ाम में आपको शुरुआत से लेके एंड तक क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो हमने बनाया है यहाँ पे बकेट का ऊपर का हिस्सा और दो स्ट्रेट लाइन लेंगे साइड से, और इसका हमने गोट बनाएंगे यानी ऊपर का बॉर्डर बना देंगे। फीका लाइन लेना है, हमेशा मैं बताते रहता हूँ फीका लाइन ही लेते रहो, लेकिन आप लोग सुनते नहीं, वन लाइन में पूरा कंप्लीट करने जाते हो और आप जो है ड्राइंग ख़राब कर लेते हो, इस वजह से आप सिर्फ घिसते रहते हो। अगर आप देखेंगे ये वीडियो मेरा स्केच, तो मैंने इरेज़र कितना यूज़ किया है, बिल्कुल ना के बराबर इरेज़र यूज़ किया है। अब आप कहोगे कि मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस है इसलिए आप मैं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसी बात नहीं रहती। हम जो है हमेशा से फीके लाइन लेते हैं और जो करेक्ट लाइन है उसको डार्क कर लेते हैं। इस वीडियो में भी मैंने ऐसे ही किया है। और अगर आप एग्ज़ाम का वर्क कर रहे हो ऐसा, तो आपको यही टेक्निक इस्तेमाल करना होगा और यही टेक्निक आपके काम में आने वाली है। बाकी नहीं तो ऐसा होता है कि बार बार इरेज़र से मेटते मेटते आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आप कलरिंग करेंगे, चाहे जो भी कलर करो फिर वो ख़राबी होगा। और आज मैं ये जब वर्क कर रहा था तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मुझे करना था पोस्टर कलर में या वाटर कलर में, लेकिन ज़्यादा थकने की वजह से मुझे जान पे आ रहा था करने, तो बस बैठे बैठे पेस्टल कलर में लेकर मैंने ये काम किया। अब एलिमेंट्री वाले जो स्टूडेंट है वो पेस्टल कलर में भी कर सकते हैं, पोस्टर कलर में, वाटर कलर में, आप पेंसिल कलर में भी कर सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी कलर में या पेंसिल में, वन पेंसिल में भी आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे मैं मग उतार रहा हूँ। तो ड्राइंग ऐसे करना है कि हमको कलर करने में आसानी हो। मैंने अगर ये मुझे पोस्टर कलर में या वाटर कलर में करता हूँ और थोड़ा सा छोटा भी स्केच उतारता हूँ तो चल जाएगा, लेकिन मुझे पेस्टल कलर में करना था और पेस्टल कलर मोटे रहते हैं तो मैंने ड्राइंग बड़ा किया। अब हमने क्या किया, हमारा स्केच तो कंप्लीट हो गया, तो मैंने इसको डार्क कर लिया। डार्क करने के बाद मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ और उसके बाद मैंने कलर स्टार्ट किया, लेकिन ये जो शेड दिया ये रिकॉर्ड में नहीं ले सका, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि रेड कलर मैंने ऐसे फिल कर दिया। अब आपको एग्ज़ाम में कोई और कलर की भी बकेट आ सकती है, कोई और कलर का जग भी आ सकता है, लेकिन कलर टेक्निक जो यूज़ किया है आपने, हमने ऐसे ही करना होगा। जो भी ओरिजिनल कलर है उसका लाइट शेड हम उसके साइड में देंगे। मैंने यहाँ पे एक साइड में लिखा है सनलाइट, आपको एग्ज़ाम में ऐसा लिखना नहीं है, मैं बस आपको बताने के लिए लिखता रहता हूँ हमेशा से। और हाँ, ये वीडियो मैंने जब रिकॉर्ड किया था तो मुझे पूरा एक घंटा लगा, और एक घंटे में लगभग मैंने 5 से 6 मिनट में ड्राइंग पूरा किया। उसके बाद सिर्फ बकेट में मैंने पूरे 20-22 मिनट लगाए सिर्फ बकेट में, और बाकी का बचा हुआ जो भी टाइम था वो मग, बैंगन और नीचे जो कपड़ा है मैंने उतारा था उसमें थोड़ा सा काम किया। और मैंने कपड़ा ऐसे उतारने को मन नहीं था, लेकिन मुझे कुछ अधूरा लग रहा था इसलिए थोड़ा सा कपड़ा मैंने बताया है। आप नहीं भी बताते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, मैंने रेड कलर के बाजू पिंक कलर लिया था और उसके जहाँ पे डार्क मुझे बताना है वहाँ पे ब्राउन कलर का शेड मैं भर दिया। फिर मुझे लगा
पूरा अगर ब्राउन कर दूंगा तो बकेट हमारा थोड़ा ब्लैक और डलिश लगेगा, फ्रेश नज़र नहीं आएगा। तो मैंने रेड कलर फिर से लिया और उसी को कंटिन्यू किया। मैंने दो तीन कलर और एक्स्ट्रा किए। मैंने ग्रीन कलर भी इसलिए किया था कि जो मैंने जग उतारा था वो ग्रीन कलर का था, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन नज़र आए। और उसके बाद डार्क शेड थोड़ा सा यूज़ किया। सबसे पहले हम लाइट शेड से यूज़ करेंगे, लाइट शेड यूज़ करने के बाद ही हम डार्क करेंगे। और दूसरी एक टेक्निक इसमें यह है, आपको अगर जहाँ पे परफेक्ट लाइट छोड़ना है पूरा वाइट, तो वहाँ पे पहले हमारा पेस्टल का वाइट कलर कर देंगे। और कैसा है, अगर गलती से हमने उस पर कोई कलर कर भी दिया है तो ये जो हमारा यहाँ पे कैमल के बॉक्स के अंदर जो आता है उसको क्या कहेंगे, वो जो प्लास्टिक का गैजेट है जो, वो बाद में हम घसेंगे तो वो वहाँ से वाइट लाइट परफेक्ट नज़र आती है। और फिर जग में कलर भर रहा था तो वो भी लाइट की जगह मैंने येलो कलर पहले किया, ताकि जब मैं फिंगर से मिक्स करूं शेड को तो येलो थोड़ा सा लाइट ग्रीन शेड नज़र आए। ऐसे करना है। और थोड़ा सा दूसरा और कलर है येलो में ही शेड, तो वो भी हमने धीरे धीरे भरते गए। उसके बाद में हमने ग्रीन कलर लिया लाइट ग्रीन, और पूरे बकेट में जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था, समझ आ रहा था, वहाँ पे भर दिया। और उसके बाद हमने उसके हैंडल पे भी करा कलर, हर तरफ जो है करते रहे। फिर मैंने आगे वाइट कलर, डार्क ग्रीन और येलो, ये सारे शेड जहाँ जहाँ लगने चाहिए आप जैसे देख सकते हैं वहाँ पे हमने भर दिया। और बड़े बकेट पे भी थोड़ा सा ग्रीन का शेड इसीलिए लिया था कि मक्का रिफ्लेक्शन थोड़ा सा लाइट उस पर पड़े। और हर एक ऑब्जेक्ट पे शैडो डालना ज़रूरी है, उससे खूबसूरती बढ़ जाएगी। अब आते हैं बैंगन की तरफ, जिसका आपको इंतज़ार था। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया, अभी जैसे बताया, पहले वाइट मैं कुछ जगह लगा दिया। अब जैसे परफेक्ट लाइट जहाँ पड़ती है वहाँ वाइट मैंने छोड़ दिया, ताकि रोशनी जो गिरती है वहाँ पर हम आसानी से बाद में करेंगे। क्योंकि ये आप बैंगन देखते हैं YouTube पर, और भी बैंगन हैं, मगर आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपके सिटी में कौन से बैंगन अवेलेबल हैं और कौन से बैंगन आसानी से मिलते हैं। क्योंकि आपका सेंटर जहाँ पे है, जो सिटी में है, वही सिटी में बैंगन वही लोग, स्कूल वाले और जो भी सेंटर वाले हैं, वही बैंगन ख़रीदेंगे। तो आपको भी जब भी कोई भी चीज़, बैंगन, टमाटे, कोई भी तरकारी, आपके सिटी में जो फ्रूट अवेलेबल है, जो तरकारी अवेलेबल है, वैसे ही उतारना है और उसी की प्रैक्टिस करना है। अब इसमें लंबे वाले बैंगन भी आते हैं तो वो नहीं लेना है, उसको देख के प्रैक्टिस नहीं करना है। आपके सिटी में जो मिलता है वही फ्रूट वेजिटेबल जो है यूज़ करना है। अब बैंगन जैसे अब हम ये देखते हैं, मैंने लाइट की जगह येलो कलर कर दिया और ग्रीन मेडल के लिए ग्रीन और डार्क के लिए डार्क ग्रीन यूज़ किया। और बैंगन के कलर में सिर्फ मैंने क्या किया, वायलेट कलर जो है हमारा, उसी को लाइन मारा मैंने, मतलब लाइंस, राउंड 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 लाइट। अगर आपके घर में, किचन में अगर एक बैंगन होगा तो आप एक बार उसको अच्छे से देखिए, उस पर लाइन रहते हैं और कुछ कुछ जगह वाइट रहता है। आप YouTube पर भी क्रोम से सर्च करके भी रियल इमेज देखकर कर सकते हैं। मैंने ये रियल इमेज देखा था और कई बार मैंने प्रैक्टिस किया है इस चीज़ की, तो मुझे ये याद है कि कौन सा शेड कहाँ रहता है, डार्क कहाँ आता है, उस तरीके से। और दूसरी ज़रूरी बात यह है इसमें, ये पेस्टल कलर जो है कुछ बारीक जगह हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकता तो कलर बाहर जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको कलर पेंसिल का एक छोटा सा 10 या 12 शेड का एक कलर पेंसिल का बॉक्स रखना है, अगर आप पेस्टल में करते हैं तो। मतलब ग्रीन जो बारीक जगह है ग्रीन, वहाँ पे आप नहीं कर सकते पेस्टल से, तो वहाँ पेंसिल से करना है। देखिए मैं यहाँ पे पेंसिल से डार्क कर रहा हूँ, पेंसिल कलर है और ये
वायलेट कलर ही है, और तो मैंने पेंसिल से किया वो। आपको भी ऐसे ही करना है अगर आप ये कलर में करते हैं, क्योंकि फिर फिनिशिंग हम नहीं दे सकते, सिर्फ कलर तो फिल कर लेंगे और फिनिशिंग। और इसके अलावा ब्लैक स्केच पेन आपको रखना है, और ब्लैक स्केच पेन का एक 10 शेड का आता है बॉक्स 15 या 10 रुपए में, वो भी आप ख़रीद के रखना है आपको साथ में, कहीं जगह ज़रूरत पड़ती है उस जगह आपको यूज़ करना है। तो पूरा परफेक्टली एक ही पेस्टल कलर में आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता अगर आप फिनिशिंग देना है तो। हाँ, बोल्ड अगर वर्क है एक ही उसमें हम दे सकते हैं। अब ये ग्रीन कलर यहाँ पे कुछ जगह जो बैंगन की डांडी छोटी है वहाँ तक पेस्टल कलर मोटा रहता है, तो कलर जो है बाहर चल जाता है, इसका ख्याल रखें। और उसके डाउन साइड में अगर हम देखें बैंगन के, तो वहाँ पे डार्क करा है हमने, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं आ रही, वहाँ पे डार्क है। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लाइट रखा, ये और ये शैडो भी थोड़ा देना है, भले ही वो दोनों मिक्स हो जाए चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको भी करना है, और आप देखेंगे हमारा वीडियो ये एंड तक, तो आपको जब पूरा फाइनल देखेंगे तो ये ए ग्रेड में जो है आ जाएगा हमारे। और अब हमने यहाँ पे कुछ और काम किया, थोड़ा सा लाइट वर्क किया, हैंडल पर लाइट किया, जहाँ जहाँ लाइट कलर हमको नज़र आता है आपको एग्ज़ाम में देखना होगा, तब और थोड़ा सा हमारा वर्क बहुत अच्छा दिखेगा। फिर उसके बाद मैंने तो यहाँ पे रेफरी में वर्क किया है, रेफरी में नीचे जो कपड़ा है वो कपड़े में थोड़ा सा, आप अगर आपको टाइम मिले तो करना है, या नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं भी करें तो चलेगा। थोड़ा सा वर्क किया है बस, ज़्यादा नहीं, बस आपको ये तीन चीज़ों में जो भी बकेट, मग और बैंगन है, या फिर और कोई भी ऑब्जेक्ट नेचर आएगा उसके अंदर आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। अब करीब करीब हमारा वर्क फाइनल हो गया, और अब इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करूँगा। पहले पेंसिल से ट्राई किया मैंने कैसा लग रहा है, तो पेंसिल से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर स्केच पेन लिया, उससे मैंने आउटलाइन की, और कुछ कुछ जगह किया, हर जगह पर नहीं किया। स्केच पेन से हमने डार्क भी किया, थोड़ा सा शैडो का इफ़ेक्ट, और रेड कलर का भी स्केच पेन लिया। तो इससे ये बात हमको मालूम हुई कि हमें सिर्फ पेस्टल कलर पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अगर हमको वर्क और अच्छा करना है तो और भी जो भी मीडिया है उनका यूज़ करके हमको काम कंप्लीट करना होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।